तो मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे, ठीक है, जिस तरह उनके, हाँ उनके अब वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ उस तरह की नहीं है उनकी इनकमेंट गवर्नमेंट की, लेकिन फिर भी शायद वो नहीं आएंगे जो लग क्यों नहीं आएंगे, मेरा सवाल एक और बनता है क्यों नहीं आएंगे? उन्होंने एक डिसाइड किया हुआ, एक स्टांस लिया हुआ है कि क्रिकेट इज अ वेरी पॉपुलर गेम, बाकी गेम्स वो खेल लेते हैं, क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर। अब इंडिया का आना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो उस वक्त जब इंडिया जा रहे थे बड़ा शोर रखा रखा था, आपको याद हो कि हमें नहीं जाना चाहिए, पहले उनसे कंफर्मेशन लें कि वो आएंगे, जब तक कोई ऐसी बैंक गारंटी के देंगे, अगर नहीं आएंगे तो $50 million देंगे, समथिंग लाइक दैट, एक ले लेते बैंक गारंटी। खैर सारी टीमें आ गई, अगर इंडिया की टीम भी आ गई तो फिर पाकिस्तान का जो वो मसला है कि भाई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज नहीं हो सकती, वो भी मेरे ख्याल खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान आने से इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत को हर वो सहूलत यहाँ पर दी जाएगी जिसकी वो रिक्वायरमेंट करेंगे। आईसीसी के इवेंट तो इतना आसान होगा मना करना, अगर मना करना है आपको यकीन है और काफी लोगों को यकीन है कि इंडिया नहीं आ रही, तो बीसीसीआई आईसीसी को लिख देना रिटर्न में, करे वो पीसीबी को थोड़ी लिखेगी। अभी देखे अनोखा लाडला आईसीसी से कह रहा है मोहसिन नकवी कि आप इंश्योर करें इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आए, ये आईसीसी का इवेंट है। नहीं भाई, ये पाकिस्तान का इवेंट है। पाकिस्तान को इनमें मैचेस नहीं कराने थे तो फिर हमें होस्ट क्यों बनाया? और वो एक सब की तरफ से थम्स अप था ना, सब कंट्रीज ने एग्री किया था, इसलिए पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले। दोस्तों नमस्कार, जब से भारत ने पाकिस्तान जाने के लिए मना की है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तब से उनका रो रो का बुरा हाल हो चुका है। वो हमारे आगे हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि भारत वालों प्लीज एक बार हमारी कंट्री में खेलने के लिए आ जाओ, क्योंकि हम भी आए थे लास्ट खेलने के लिए वर्ल्ड कप, लेकिन इनको कौन समझाया कि जब तक तुम अपनी हरकतें बंद नहीं करोगे बॉर्डर पर तब तक हम लोग तुम्हारी कंट्री में कभी नहीं आने वाले, क्योंकि हमारे डेली हमारे जवान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, और फिर ये लोग उम्मीद करते हैं कि इंडिया इनकी कंट्री में खेले के लिए जाएगा। और कोलंबो में मीटिंग चल रही है आईसीसी की, जिसमें जय शाह ने साफ साफ बोल दिया है कि हम अपने सारे मैच यूएई में खेलेंगे, इसको आना है आओ वरना भारत में जाओ, क्योंकि हमारे बिना ये ट्रॉफी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि सारे स्पॉन्सर भारत के हैं, सारे पैसे भारत, अगर भारत ही नहीं खेलेगा तो ये ट्रॉफी होगी कैसे? इसलिए आखिर में आके पाकिस्तान को भारत की बात माननी ही पड़ेगी। अभी वो दिखावा इसलिए कर रहा है, पाकिस्तान के लोगों को दिखाना है कि देखो हमने भारत का पूरा मुकाबला किया लेकिन हम हार गए, क्योंकि वो बहुत अमीर बोर्ड है और पाकिस्तान तो बहुत गरीब बोर्ड है, तो आखिरी में इन्होंने विक्टिम कार्ड ही खेलना है कि भारत ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी। और दूसरी बात यह है कि इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारी वजह से पाकिस्तान को एक रुपए का फायदा हो, क्योंकि हम अगर एक बार भी इनकी कंट्री में खेलने के लिए चले गए ना तो फिर ये पूरे वर्ल्ड में ढिंढोरा पीटेंगे, देखो भारत हमारी कंट्री में खेलने के लिए आ चुका था एक बार, क्योंकि हमारी कंट्री बिल्कुल सेफ है। इंडिया ने अभी तक राइटिंग में मना नहीं किया कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, सोर्सेज के थ्रू चीज आ गई के सोर्सेज के थ्रू के नहीं आ रहे, क्या उनको सोर्सेज के थ्रू करना चाहिए था, क्या इतना बोल्ड डिसीजन लें कि अगर नहीं आना तो आईसीसी को वो जल्दी इन्फॉर्म कर दें कि हम पाकिस्तान में नहीं खेल सकते, इसका जवाब दें जरा। एक दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो प्रॉबेबली बीसीसीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस वक्त क्लियर हेडेड हैं कि उन्होंने आना या नहीं आना, एक दूसरा ये है कि उन्होंने पल्स चेक करने के लिए जरूर ये मीडिया के थ्रू बार बार आई। अबे हमारी पल चेक करनी है जिसकी पल नहीं हुई रहती है, हमारी पल चेक करनी। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आईसीसी की अभी भी जो मीटिंग हुई है प्रोबेबली श्रीलंका में थी चाहे वहां पे कोलंबो में, वहां पे एजेंडा पे नहीं था, ये पॉइंट नहीं था, तो जब तक एजेंडा पे नहीं होगा। अच्छा, डिसीजन लोग थोड़ा सा मिसकंस्ट्रू कर रहे हैं, आईसीसी के हाथ में सारी बात नहीं रह सकती। मैं बार बार कहता हूँ कि आईसीसी फीफा की तरह गवर्निंग बॉडी नहीं है, वो फुल मेंबर बोर्ड पे चलती है और वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, लिहाजा इंडिविजुअल बोर्ड का डिसीजन होगा उन्होंने टूर करना है या नहीं करना, और आईसीसी को फिर देखना पड़ेगा हाइब्रिड मॉडल पे जाना है या इंडिया कंसीड करेगा अपना अपनी पोजिशन इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। अब राशिद भाई, आखिर में दो चीजें इसके हवाले से जो है ना वो बहुत तगड़ी है, वो ये है कि बाय नवंबर एंड दिसंबर मच बिफोर द स्टार्ट ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो इंडिया के हाथ में चली जाएगी प्रेसिडेंटशिप ऑफ आईसीसी, जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। मुझे सवाल का जवाब यह है ही नहीं, चलो देने लगा वाइंड अप करो। एक तो मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे, ठीक है, जिस तरह उनके, हाँ उनके अब वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ उस तरह की नहीं है उनकी इनकमेंट गवर्नमेंट की, लेकिन फिर भी शायद वो नहीं आएंगे जो लग रहा है। क्यों नहीं आएंगे, मेरा सवाल एक और बनता है क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज उन्होंने एक डिसाइड किया हुआ, एक स्टांस लिया हुआ है कि क्रिकेट इज अ वेरी पॉपुलर गेम, बाकी गेम्स वो खेल लेते हैं, क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर, और क्रिकेट जो है एक प्रोडक्ट है, एक ब्रांड है जो कि पॉलिटिकल अगर वो नहीं आते तो एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है और पॉलिटिकल माइलेज मिलती है, मेरा ये ख्याल। पॉलिटिकल माइलेज मिलती है, वो तो देखो पाकिस्तान भी गया दो दफा ना, 2016 में गया, अभी गया वर्ल्ड कप खेलने, शायद दूसरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान मना करते थे, एशिया कप इंडिया भी नहीं करा रहा, एशिया कप पाकिस्तान भी नहीं करा रहा, मान लेते हैं। लेकिन आईसीसी के इवेंट तो इतना आसान होगा मना करना, अगर मना करना है आपको यकीन है और काफी लोगों को यकीन है कि इंडिया नहीं आ रही, तो बीसीसीआई आईसीसी को लिख देना रिटर्न में, करे वो पीसीबी को थोड़ी लिखेगी, आईसीसी का इवेंट है, पीसीबी का इवेंट ही नहीं है, तो ये तो आईसीसी, हम तो होस्ट कर रहे हैं सिर्फ, नहीं सवाल ये है इसमें पीसीबी का एक बहुत मेजर रोल आता है, आप इतना तगड़ा स्टांस लें कि आप कहेंगे ठीक है
दैट इज देयर चॉइस कि वो नहीं आ रहे तो फिर वो कंसीड करें, हाइब्रिड मॉडल नहीं होने देंगे, चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान। तो ये भी सवाल का जवाब नहीं है, सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ मैं। मतलब ये है कि ना, अगर तो वो बोलते हैं कि देखो रीजन देना पड़ेगा, पॉलिटिकल रीजन नहीं चलेगा, अभी रीजन देना पड़ेगा, सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी रीजन अगर हो तो सबसे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वर्कआउट कर देंगे न्यूजीलैंड के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, न्यूजीलैंड ने कंफर्म कर दिया, जो भी टीम है वो तो आएंगी सारी, ठीक है। अगर तो सारी टीमें आ रही हैं और सिक्योरिटी रीजन इंडिया को है, और फिर मैं पुराने स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ, सहवाग के ले लें, गंगोली को देख लें, तेंदुलकर के देख लें, इनको सबसे ज्यादा मतलब आया कहाँ पे, पाकिस्तान में आया, वो बोलते हैं अपने मुल्क से ज्यादा हमें इज्जत मिली गई, मिल गई, तो उनको तो खतरा नहीं होना चाहिए ना कभी वो, चले ठीक है हम मान लेते हैं कि थोड़े हम झगड़ालू हैं, कभी इंडियन प्लेयर पे अटैक हुआ पाकिस्तान के, मेरे को मिसाल बता दें, गोल नहीं उठाया ना, और इवन इंडिया के अंदर भी पाकिस्तानी प्लेयर की जो इज्जत है वो शायद पाकिस्तान में नहीं है। अब सही बात है, क्योंकि वो ज्यादा लव करते हैं क्रिकेट को, हमारे पेसर्स हैं, हमारे बैट्समैन हैं, हमारे सारे लोग हैं, तो ये तो सिक्योरिटी का तो मतलब खत्म हो गया कि प्लेयर को थ्रेट है, प्लेयर तो चल के आएगा, विराट कोहली को क्या हम लोग देखना नहीं चाहेंगे पाकिस्तानी लाइव, सुनील गावस्कर को देखा, जैसे बेदी साहब को देखा, जैसे हमारे प्लेयर थे, ग्रेट प्लेयर खेले इंडिया के अंदर, 10-10 साल में एक सीरीज होती है। डॉक सवाल आते थे, जवाब मैं दे रहा हूँ यार, आप क्या हो गया डॉक सर, लेकिन मैं आपको इतना बताऊं, देखें फिर अगेन मैं आप उस तरह मुझे खींच खींच के लेके जा रहे हैं कि हेगेमोनिक प्रेजेंस इस वक्त बीसीसीआई की है। नो सर, जवाब ये भी नहीं है सर, सुन लेना, अगर उनकी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, गवर्नमेंट कहां से, एक मिनट रुकें, गवर्नमेंट कहां से आ गई बीच में, गवर्नमेंट से सिक्योरिटी रीजन है कोई नहीं, अगर डिप्लोमेटिक रीजन वो कह दे, आपको चेकमेट कर दिया तो बोलो सवाल मेरे पर डाल दिया आपने, चेकमेट हो गया सर, आगे चले सर, बताइए। चलो नहीं, अच्छा है ये, तो ये ना डिबेट है, लेकिन लोग ना गलत लेके जा रहे हैं, पॉलिटिक्स की तरफ लेके जा रहे हैं, वो तो ट्रेंड पे, मैंने भी ट्रेंड पे बात की है ना, मैंने माइंडसेट पर बात नहीं है, बात आप लॉजिकली करें ना, लोगों को जो समझदार लोगों को समझाना है आपको, लॉजिकली जो आपने बात की है कि सिक्योरिटी रीजन नहीं है, भाई सारी टीमें आ रही हैं तो सिक्योरिटी रीजन खत्म हो गया, अब सिक्योरिटी रीजन नहीं, तो जब तक भारत खुद से बीसीसीआई मना नहीं कर देता आईसीसी को, जब तक तो आ रही है ना इंडिया, अभी तक तो आ रही है इंडिया, यस, तो हम मैं आप जैसे वो बहुत सारे लोग एक सोर्स की खबर के ऊपर फैला दिया के, फिर हमारी मैंने जो अभी आपको भेजी है खबर, तो हमारी कौन सी मिनिस्ट्री ने जवाब भी दे दिया, तो बनता था जवाब हमारा कहीं से, नहीं अभी नहीं बनता था, तक आईसीसी के थ्रू वेरिफिकेशन नहीं होता, नहीं भाई हमारे पीसीबी खामोश है, पीसीबी नकलबंदी का सामना है, उनको पता है कि हमें तो आईसीसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया अभी तक, तो केस खराब कर रहे हैं आप बाहर से बैठ के, और पीसीबी का स्टांस भी बहुत अच्छा है, आप सही कह रहे हैं, पीसीबी का स्टांस इसमें बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में होगी चैंपियंस ट्रॉफी और सारा कुछ हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहे हैं, अच्छा बजट भी एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि बजट भी पीसीबी ने जो कि वो है ट्रेंड है कि पीसीबी ने आईसीसी के साथ मिलकर वो बजट भी बना के और वो बजट पेश हुआ है इस मीटिंग में आईसीसी, सो दिस मींस के पाकिस्तान होस्ट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जो अब जो डोमेस्टिक का बजट नहीं बना सकता वो आईसीसी का बनाएगा, कमाल हो गया, ये सोशल मीडिया के मत पढ़ के सुनाया करो मुझे, मैं पढ़ता हूं सबको यार, ये सोशल मीडिया के नहीं एजेंडा था यार आईसीसी का बोर्ड का, हाँ तो उनका एजेंडा आया तो सोशल मीडिया पे आया ना, चलें सर ठीक है, आज आप बहुत सख्त गेम कर रहे हैं नहीं ये टॉपिक है अच्छा, लोग ना इसको डाइवर्जन में लेके जा रहे हैं, इंडिया मान लेते हैं कि इंडिया नहीं, चलो हम क्वार्ट बिहाइंड में ये चीज एक पॉलिसी बनाते हैं क्वार्ट बिहाइंड में कि इस वक्त तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही, देयर इज नो हाइब्रिड मॉडल, सारी टीम्स आएंगी इंक्लूडिंग इंडिया, अभी तो मना नहीं किया ना, तो आ रही है।